La 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 la. आओ सुनो कहानी. वसुंधरा और मैं बहुत समय से ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे थे क्योंकि हम दोनों को ही कहानियाँ पढ़ने सुनने और सुनाने में बहुत मजा आता है. और यही नहीं, हमको हिंदी भाषा से भी खास लगाव है. जो कहानियां हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हर एक उम्र के लोग सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. कहानी सुनाने के पहले हम आपको एक प्यारी सी कविता सुनाना चाहेंगे जिसे सफदर हाशमी साहब ने लिखा है. सफदर हाशमी एक जाने माने लेखक, परफॉर्मर और एक्टिविस्ट थे और सबसे बड़ी बात है कि वो एक बहुत ही कंपैशनेट और सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग थे. तो सुनिए उनकी लिखी ये कविता. किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं. किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की. क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं. किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं. किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है. क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं. आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो सुकुमार राय ने लिखी है और उसका हिंदी रूपांतर किया है अमर गोस्वामी ने और ये बहुत बढ़िया किताब है साहित्य अकादमी की. तो कहानी का नाम है, शीर्षक है छाते का मालिक. वे सब कुल डेढ़ बित्ते के थे. वे सब गांव, खेत, खलिहान आदि से काफ़ी दूर जंगल के किनारे कुकुरमुत्ते यानी मशरूम्स, जिन्हें वे मेढक का छाता कहते थे, उसकी छाव में रहते थे. छोटे छोटे बचपन में जब उनके दांत भी नहीं निकले थे तभी से वे लोग बाबा आदम के ज़माने के उस मेढक के छाते को देखते आए थे. वो किस मेढक का छाता था इसे कोई नहीं जानता था, मगर सभी उसे मेढक का छाता कहते थे. रात में जिन शरारती लड़कों को नींद नहीं आती थी उन्हें अपनी माताओं से छाते का गाना सुनकर नींद आ जाती थी. फूले गाल मोटा मेढक, पालदार लाला छाता, मटिया मेढक, झाड़ मेढक, फटा छाता, टूटा छाता, हरा रंग है जबर जंग, जरी का छाता, सोना मेढक, पत्ता टोपी, पोपला छाता, छोटा सिर कोना मेढक, इतने सारे छाते. मगर आज तक उन्होंने कभी मेढक नहीं देखा था. वहां पर मैदान में घास में हरे रंग के पागल टिड्डे रह रह कर भुड़क से उन्हें लांग कर निकल जाते थे. वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ थीं जो काफ़ी देर बैठकर फिर उड़ जाती थीं. वहाँ गिलहरियाँ दिन भर कभी इस पेड़ का नाप लेती, कभी उस पेड़ को नापती थीं. दिन भर वे पेड़ पर चढ़ती उतरती ही रहती थीं और फिर धूप में बैठकर हिसाब करती थीं और मूँछों पे ताव देती थीं. मगर उनमें से किसी को भी मेढक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. गाँव के बूढ़े बूढ़िया, नानी दादी आदि कहते थे कि आज भी वो मेढक जिंदा है और वो अपने छाते की बात को भूला नहीं है. जब आसमान में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, वन जंगल में लोग नहीं आते हैं, तब वो मेढक अपने छाते के नीचे बैठकर बादलों से बहस करता है. जब निस्तब्ध सन्नाटा रात में सभी सो जाते हैं, किसी के देखने का डर नहीं रहता, तब मेढक जाकर अपने छाते के नीचे पैर फैलाए, सीना फुलाकर संगीत छेड़ता है. देख 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 जरा सा देख, देख 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 जरा सा देख. लेकिन जिस दिन शरारती लड़के
पानी में भीगते हुए उसे देखने गए, उनमें से किसी को भी मेंढक नजर नहीं आया। और जब उस बार रात के सन्नाटे में वो बड़ी आशा से उसकी तान सुनने के लिए कान लगाए बैठे थे, तब उन्हें किसी के गाने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। मगर जब छाता मौजूद था, तब मेंढक अगर आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? एक न एक दिन तो उसे आना ही होगा। जब वो पूछेगा मेरा छाता कहाँ है, तब वो लोग कहेंगे ये तुम्हारे बाबा आदम के जमाने का नया छाता रहा, ले जाओ इसे, हम लोगों ने इसे न तोड़ा है न फोड़ा है, न बिगाड़ा है न गंदा किया है, सिर्फ इसके नीचे बैठकर बातें की हैं। मगर न मेढक आता है, न उसका छाता हटता है, न उसकी छाया हिलती है और न बातें खत्म होती हैं। इसी तरह दिन बीतते रहे, साल बीतता रहा। अचानक एक दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच गया, अरे मेंढक आ गया, मेंढक आ गया, अपना छाता लेने वाला मेंढक आ गया। मगर वो कहाँ था, उसे किसने देखा? जंगल के किनारे छाते के नीचे लालू ने देखा, कालू ने देखा, चांदा बोंदा सभी ने देखा। मेंढक वहां क्या कर रहा है, वो देखने में कैसा है? लालू ने कहा, ईंटों जैसा लाल रंग है, जैसे हल्दी में घुली चूने की डली, एक आंख पर एक आंख खुली। कालू ने कहा, राख जैसा उसका फीका रंग, एक आंख पर एक आंख खुली। चांदा बोला, चटक हरा जैसे कोई नई कोमल घास, एक आंख पर एक आंख खुली। बोंदा बोला, भूसे जैसा रंग, जैसे पुरानी हो इमली, एक आंख पर एक आंख खुली। गांव के जितने बूढ़े थे, जितने महापंडित थे, सभी ने कहा, किसी की बात से किसी का मेल नहीं है, तुम लोगों ने जो देखा है उसे फिर से कहो। लालू कालू चांदा भोंदा सभी ने कहा, छाते के नीचे जिंदा मेंढक, चार हाथों और लंबी दुम वाला। ये सब सुनकर सभी ने सिर हिला के कहा, ये मेंढक नहीं हो सकता, लगता है मेंढक का बच्चा है, नहीं तो फिर उसकी दुम क्यों है? खैर कोई बात नहीं, मेंढक का बच्चा तो है, बेटा ना हो, पोता होगा या भतीजा होगा या उसका कोई और रिश्तेदार होगा। सभी ने कहा, चल 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 देखने चल, देखने चल। सभी उधर ही भागे। खेत खलिहान के पार जंगल के किनारे मेंढक के छाते के नीचे कोई बैठकर धूप सेक रहा था। उसका रंग जैसे कोई लगे पेड़ के तने जैसा था, उसकी दुम घास पर पड़ी हुई थी और वो एक आंख मूंदे एक आंख खोले देख रहा था। सब देखकर चिल्ला के बोले, अरे तुम कौन हो भाई, कस्तवम, हु आर यू? ये सुनकर ना उसने बाईं ओर देखा ना दाईं ओर, सिर्फ एक बार अपना रंग बदलकर उसने खुली आंख मूंद ली और बंद आंख खोल दी और झट से एक हाथ लंबी जीभ निकालकर तुरंत उसे समेट लिया। गांव के सबसे संभ्रांत बूढ़े ने कहा, प्रधान भाई ये तो कोई जवाब ही नहीं देता, बहरा है क्या? प्रधान बोले, हो भी सकता है। बूढ़े सरदार ने साहस करके कहा, चलो भाई जरा आगे चले, उसके पास जाकर जोर से कहें। प्रधान बोला, तुमने ठीक कहा। बूढ़े ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं इस झाड़ी में भाला लेकर छुपकर बैठता हूँ, अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इस भाले को भोंक दूंगा। बूढ़े सरदार ने उस छाते पर चढ़कर उसके कान के पास जाकर अचानक बड़ी जोर से पूछा, कौन है? अपनी हरकत से खुद ही छाते से गिरने वाला था, उसने अपने आप को संभाला। उधर उसकी आवाज सुनकर चौंक कर वह जानवर थोड़ी देर स्तब्ध रहा, फिर दोनों आंख खोलकर बोला, ओ, इतना चीखते क्यों हैं महाशय जी, क्या मैं बहरा हूं? ये सुनकर सरदार ने अपनी आवाज धीरे करके कहा, तुम क्या मेंढक के कुछ लगते हो? उस जानवर ने कहा, ना 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 ना, कोई नहीं कोई नहीं। इसके बाद वो अपनी दोनों आंखें मूंद कर बड़ी जोर से हिलने लगा। ये देखकर बूढ़े सरदार ने चिल्लाकर पूछा, मगर तुम तो इस छाते को ले जाने आए हो? तभी सब एक साथ चिल्लाने लगे, उतर जाओ, उतर आओ, उतर आओ, वहां से झटपट उतर कर चले आओ। प्रधान सरदार लपक कर उसकी दुम पकड़ कर जी जान से खींचने लगा और शालीन बूढ़े ने झाड़ी में बैठे बैठे अपना भाला तान लिया। दुम वाले जानवर ने खींच कर कहा, ओहो बड़ी आफत है, महाशय जी मेरी दुम पकड़ कर इतना क्यों खींच रहे हैं, उखड़ जाएगी ना? सरदार ने पूछा, तब तुम छाते पर चढ़कर उसे रौंद क्यों रहे हो जी? तब वो जानवर अपनी गोल आंखों से आसमान को कुछ देर ताकने के बाद बोला, क्या कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? सरदार ने कहा, हम तो मेंढक के छाते की बात कर रहे हैं।
जैसे ही उसके कानों में ये बात पड़ी वो हंसकर हंसता हुआ लोटपोट होने लगा और उसका बदन नीला पीला हरा इंद्रधनुषी जैसे अलग अलग रंगों की छटा दिखाने लगा। सभी घबरा कर भागे भागे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने कहा इसे पानी पिलाओ, किसी ने कहा पंखा चलो पंखा चलो। काफी देर बाद उस जानवर ने शांत होकर ठीक से बैठक बैठते हुए कहा, मेंढक का छाता क्या होता है? क्या ये मेंढक का छाता है? तुम लोग भी कैसी बेअकली की बातें करते हो। अरे ना ये छाता है ना किसी मेंढक से इसका संबंध है, बेवकूफी इसे मेंढक का छाता कहते हैं। ये सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना, सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिरकार किसी लड़के ने किसी ने पूछा, आशय आप कौन हैं? दुम वाले उस जानवर ने कहा, मैं बहुरूपी हूं, गिरगिट का चचेरा भाई, गोसांप की जाति का हूं, ये चीज अब मेरी है, इसे मैं घर ले जाऊंगा। और इतना कहकर वो मेंढक के छाते को बगल में दबाकर बड़ी गंभीरता से चला गया और सभी मुंह बाए उसे देखते रह गए। ला 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 La 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 la